मम्मी आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं मैं घर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है। ये वो ही पहाड़ी जहाँ से गोली चली थी। गांधी तन लई आजादी, चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी, relationships will often end in disgust, and I know you want my love but there's nothing to discuss, I don't need you. Hello friends, welcome back to another vlog. भाई कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम है ना, पता है कहां जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं नूह मेवात, जो भी मुद्दा हुआ था अपना उसकी आज मेवात में महापंचायत है। तो मैं, आकाश भाई, मनीष और मोहित, हम चारों जा रहे हैं और बाकी कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि आज एक और चीज है। आज भाई रैली निकल रही है पहले भाई 15 अगस्त, और सभी को पता है कि भाई जो है ना अपने जितने भी है ना ये छोटे मोटे नेता वगैरह हैं, ये अपना नाम उठाने के लिए तो भाई तिरंगा तो उठाएंगे ही, है ना, सभी उठाते हैं, क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे हवाबाजी ये करते ही हैं सारे नेता वगैरह, ये चीज जरूर करते हैं हैं। और भाई देख लेना आप, जो बंदा आपको है ना कभी दिखेगा नहीं ना, आज आपको है ना वो बंदा भी दिखेगा तिरंगा उठाता हुआ। बाकी भाई फिलहाल चल ही रहे हैं, एक बार भाई यार के पास पहुंचते हैं। दूसरी चीज, मेरे को एक बात और बतानी थी। 15 अगस्त की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बात है, आप झंडा फहराओगे या झंडा लेके घूमोगे, गाड़ी पे लगाओगे, घरों पे लगाओगे, बट 16 अगस्त को कोई झंडा भाई रोड पे दिखे तो वो अच्छी बात नहीं है, इसमें अपनी इंसल्ट है, अपने देश की बुराई है इस चीज में कि भाई हम अपना झंडे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो भाई एक हाथ जोड़ के विनती आपसे कि भाई 16 अगस्त को या फिर कभी भी अपना कोई झंडा दिखे तो यार उसको उठा लेना, और ऐसे है ना फेंकना मत, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता ऐसे, ठीक है। बाकी जल्दी से चलते हैं आकाश भाई यार के पास और निकलते फिर सीधे पंचायत के लिए, ठीक है। चौबीस सवा की पंचायत में आए थे मरने थे, मऊआ के ऊपर हुआ हमला, 3 फरार। मऊआ तू भी अगर भाई, वैसे तिरंगा रैली में भी जाना चाहिए हो, मैं एक चीज यो इस चीज पे है ना हंसी आओ मेरे को, मन के जो बंदे कभी है ना शहीद ने पूछा ना है, वो आज के दिन सारे ने पूछे हैं। आकाश भाई यही तो है ही भैया, हमने यही तो लिख के डाली ग्रुप पर घेर दी। मैं दाव ना मानू कोई थे पार्टी, दाव मानो किस चीज को, जो कुछ भी हुआ इनकी देख रहे हैं घेर दे। मऊआ आज मम्मी नोट, मम्मी आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं मैं घर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है। ये वो ही पहाड़ी जहाँ से गोली चली थी। हिंदू हिंदू कैसे लौट रहे किए थे ना, मोबो कैसे लौट रहे किए थे ना, पीछे तो भक्ति नु पैर पड़े से आपने पैर पकड़ लिया, चेक कर रही है क्या यार, मेरी गाड़ी में तेरी के तुम छेड़ बैठे नहीं सीधी तब सबसे पहले तो भाई मऊआ के मारेंगे तकड़ो से मानो जी हुई है भाई। अरे हमें तो कोई कुछ ना कहे, अरे भोले बाबा साथ आई हमने स्टाफ के आके दो बहुत पुलिस ऐसा ही ऐसा ही खड़े हैं, बाकी तो एक आज ही दिखे कॉन्स्टेबल वगैरह है ना, के खाएगो ये सब।
आइए एक गीत आपके सामने रखने का। और मैं मेरा जो सिद्धांत है, आज के योग्य सुनिया ये भी जानते हैं, मैं जब घर से निकलता हूँ किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए तो मेरी घरवाली दो ही बात कहती है, आप ट्रेन में आए मेरे भाई पीछे आए। अधिकतर क्योंकि स्वामी रामदेव जी के साथ में या अन्ना हजारे जी के साथ में इस प्रकार के धार्मिक आंदोलनों में रहता हूँ तो उस प्रकार की बांध भी पड़ी हुई है, आदत भी पड़ी हुई है। और आचार्य आजाद श्री जैसे जाकर के लंदन में चरखे वाले अनुबंध में, और अगली बात का समर्थन कीजिएगा कि चरखे वाले कहा करे थे फायदा ना अनुबंध में, चंद्र शेखर डूबोला हम ना रहते बंधन में, चंद्र शेखर डूबोला हम ना रहते बंधन में, कैसे सागर पार किया, कैसे सागर पार किया, पढ़ो किस्सा सावरकर का, गांधी तने लई आजादी चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार, गांधी तने लई आजादी मुद्दे को दे मार के उसी समय वो सिंगापुर में बम बरसाया करते, आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते, निकले पाछे फिर दोबारा मुंह ना देखा घर का, गांधी तन लई आजादी चला चला के चरखा। और सुनिए सज्जनों, कितने नाम जानते हैं, 7,32,000 क्रांतिकारी कहे थे, ये जो आप बैठे हुए हैं ना आपके सर पे कर्जा मेरे सर पे कर्जा है, 7,32,000 नाम कितनों के जानते हैं, 20, 25, 30, 40, 50, 100। तात्या टोपे नाना साहेब मैनावती बिचारी, तात्या टोपे नाना साहेब मैनावती बिचारी, घोड़ों की टापों से कुचल कर अंग्रेजों ने मारी, भगत सिंह ने असेंबली में जब कर दी थी बमबारी। इस लाइन पे पूरी महापंचायत का समर्थन मैं चाहूंगा, अगली लाइन बड़ी कर दी है, हो सकता है कुछ लोगों को चुभे लेकिन आप समर्थन कीजिएगा कि भगत सिंह ने असेंबली में जब कर दी थी बमबारी, उस मौके पे कहां गई थी चरखी साहब तुम्हारी रे, उस मौके पे कहां गई थी चरखी साहब तुम्हारी, आज राज के मालिक बन गए, आज राज के मालिक बन गए, रखो ता पहन खतर का, गांधी तने लई आजादी। वैसे तो इस भूमि को श्री राम ने अपनी माता माना, श्री कृष्ण ने इस भूमि को अपनी माता कहा है, आचार्य चाणक्य ने इस भूमि को अपनी माता कहा है, दुनिया में हर देश का हर नागरिक अपनी भूमि को माता कहता है, लेकिन विडंबना हमें एक राष्ट्रपिता भी मिला है। अगर राष्ट्रपिता किसी को कहना तो एक आदमी का नाम सजेशन मैं कर देता हूं साथियों, 1857 से 1947 तक 80% क्रांतिकारी उस महापुरुष का अनुसरण करते थे, उस महापुरुष को अपना गुरु मानते थे। कौन था जो शुद्धानंद का गुरु था, कौन था जो पंडित लेखराम का गुरु था, कौन था जो राम प्रसाद बिस्मिल का गुरु था, कौन सरदार भगत सिंह, भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, छोटे चाचा सरवन सिंह, दादा अर्जुन सिंह, परदादा भगत सिंह और माता विद्यावती का गुरु था, वो व्यक्ति बड़ा महान था। जितने भगत हो गांधी के तुम दायरे में रहना चाहिए, इधर उधर की बातें सुनकर धारा में बहना चाहिए, सत्ता के मद में होकर ना आर्यों से फैना चाहिए, महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। और आइए हमारे बीच में इजाजत लेने के बाद, जैसा कि हमारी संस्कृति और परंपराओं में, हमारी रवों में
जो सनातन धर्म का खून बहता है, उन सभ्यताओं के अनुसार आगे बढ़ करके आज की इस पंचायत की अध्यक्षता के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेकर आपका समर्थन भी मांगूंगा कि आज की इस पंचायत की अध्यक्षता चौधरी श्री अरुण जेलियन है। बगैर अध्यक्ष जी के आदेश के कोई भी वक्ता नहीं बोले। जिसे अध्यक्ष जी आदेश दें, जिसे अनुमति दें, वही अपना वक्ता में रखे। सभी वक्ता शालीनता और शांति बना करके, कोई भड़काऊ भाषण ना करें। भगवान शंकर जी के मंदिर के प्रांगण में यात्रा शुरू हुई और वो शुरू होने से पहले सारी दुनिया ने देखा, अब तक भी हम सब देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तरह से उस यात्रा को भंग किया गया, हमारे बहुत से साथी हमारे बीच में नहीं रहे, शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, हमारे कितनी गाड़ियां जला दी गई, कितना ही नुकसान, दुकानें, मिले, मतलब ऐसी तस्वीर जीवन में पहली बार हमें तो देखने को मिली। इस तरह के हालात पैदा हो गए, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हमारे बीच में, हमारे मुंह के यहां सेठ बैठे हैं, आरती बैठे हैं। चलो गाड़ियां आप यात्रा पे हमला कर रहे थे, लेकिन जो रोजाना आपके बीच में रहते हैं, जो रोजाना आपका के साथ रहते हैं, उनकी गाड़ियां जो अनाज मंडी में खड़ी थी, उन्हें चिन्हित कर करके गाड़ियों को तोड़ा। भाई तो फाइनली वहां से फ्री होके घर आके भाई मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया और वापस एक बार अब जा रहा हूँ ऑफिस पर। और भाई जो जो वहां पे बातें हुई थी, काफी लंबी बातें हुई थी भाई, करीब करीब 6 से 7 घंटे लग गए थे पंचायत में। कोई वैसी फालतू बातें हुई नहीं थी, आप एक बार साइड में देख ही सकते हैं कि भाई जो जो थी ना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधा दिखा रहा हूँ कि भाई ये शर्तें और भाई उस कानून से मांग की गई है कि भाई ये चीज होनी चाहिए। और बाकी अब भाई देखते हैं क्या रहता है। बाकी 28 तारीख को एक रैली जा रही है अपनी, दोबारा शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और भाई आज के लिए मैं यहीं पे विदाई मांगता हूँ। होप यू एंजॉय और कुछ सीखा हो, बाकी मेरे को नहीं पता भाई कैसा है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।